नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी की ओर से की गई अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ भारतीय जनता देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी। और बीजेपी ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि देश भर के सभी राज्यों की राजधानी में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। और बीजेपी कार्यकर्ता पाकिस्तान और पाकिस्तान के विदेश मंत्री का पुतला फूकेंगे और उनके शर्मनाक बयान की कड़ी निंदा करेंगे। बीजेपी ने पीएम मोदी के खिलाफ बिलावल भुट्टो की टिप्पणी को अत्यधिक अपमानजनक और इसके साथ ही कायरता से भरा हुआ बताया था। और बीजेपी ने कहा था कि ये टिप्पणी पाकिस्तान की गिरती अर्थव्यवस्था, पाकिस्तान में फैली अराजकता से वैश्विक ध्यान हटाने के लिए दी गई थी। हरदोई के संडीला में 7073 रुपए के बकायेदार ने बकाया वसूलते हुए पहुंची टीम ने चेहरे पर ही लाल मिर्च फेंका और भाग निकला। इस बारे में जेई ने जो तहरीर दी है उसमें कहा गया है कि बकायेदार हाथ में चाकू लेकर सामने आया था और एएसपी ने बताया है कि जेई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। वहीं शीघ्र ही कार्रवाई भी की जाएगी और संडीला कस्बे के मोहल्ला मानस नगर में बिजली महकमे की वसूली टीम मानस नगर चक्कर रोड पहुंची और इस टीम में ही शिवकात और नन्हा शामिल थे। शिवकात ने उसी मोहल्ले के 7073 रुपए के बकायेदार रंजीत कुमार से बकाया जमा करने को कहा। उसने पहले तो बकाया जमा करने से साफ मना कर दिया। इसके बाद गाली गलौज करते हुए घर के अंदर से लाल मिर्च पाउडर उठाकर ले आया और उसे वसूली टीम के चेहरे पर फेंक दिया। इस बारे में ही जेई राज गुप्ता कुमार गुप्ता ने ही पुलिस को तहरीर दी है। उसमें कहा गया है कि बकायेदार ने हाथ में चाकू ले रखा था और शायद उसका कुछ और भी इरादा लग रहा था, और लेकिन शोर मचाने पर वहां से भाग निकला। और एएसपी अनिल कुमार यादव ने बताया कि जेई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस सारे मामले की छानबीन कर रही है और शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी। थाना संडीला का मामला है, राजकुमार गुप्ता जेई है, इन्होंने मुकदमा लिखवाया है कि रंजीत कुमार जो मानसनगर के रहने वाले हैं, इनसे राजस्व वसूली के लिए बिजली कर्मियों की टीम गई थी जिसमें शिवाकांत, नन्ना, गोकुल और राजकुमार गए थे। रंजीत कुमार ने इनके ऊपर हमला किया तथा पिसा हुआ मिर्चा इनकी आँख में डाल दिया। पुलिस को इनके द्वारा तहरीर दी गई है। पुलिस ने गाली गलौज, मारपीट और सरकारी कारण बाधा की धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। शीघ्र ही साक्ष्य आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई आरोपी के विरुद्ध की जाएगी। सर, कुछ लूट भी हुई है? जाँच की जा रही है, इनके द्वारा ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया गया। और इसी खबर पर हमारे साथ हरदोई से हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद आसिफ, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइएगा। जी, ये बताना चाहूंगा, ये पूरा मामला हरदोई के संडीला इलाके का है। यहाँ बिजली बिल बकाए को लेकर टीम गई थी बिजली की, जिस पे जो है ग्रामीणों ने लाल मिर्च फेंक दिया और जो है तमंचा लेके दौड़ा लिया। उसके बाद उन लोगों ने एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन के आधार पे एसपी ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं। जी आसिफ, पुलिस की क्या कार्रवाई रहेगी, क्या आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा, जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई है इस पूरे मामले पर? जी हाँ, चाकू से हमला भी किया गया है और उसमें पुलिस का कहना भी यही है कि हम तलाश कर रहे हैं जिस आरोपी ने मिर्चा आंख में फेंका है, उसकी तलाश की जा रही है, मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। जी आसिफ, अगर पीड़ित की तबीयत की बात की जाए तो उनकी अभी तबीयत कैसी है? नहीं, बाकी तो ठीक है, खैर टीम तो ठीक है, आंख में मिर्चा चला गया तो उसके बाद से हालांकि वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उनको। जी मोहम्मद आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। आगरा में पठान मूवी का विरोध अब शुरू हो चुका है। हिंदूवादी संगठन ने सिनेमा घर पर प्रदर्शन किया है और इतना ही नहीं, शाहरुख खान का पुतला फूंकने का भी प्रयास किया गया है। पुलिस ने पुतला छीना और पुलिस और हिंदूवादियों के बीच झड़प हो गई। आगरा भगवान टाकीज के श्री
टाकीज का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर अब पठान मूवी का विरोध प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। बता दें कि पुतला फूंकने की भी कोशिश लगातार की जा रही है। बता दें आपको कि कई राज्यों में पठान मूवी को लेकर विरोध किया जा रहा है, वहीं अब आगरा में भी इस मूवी को लेकर विरोध किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से पोस्टर पर दीपिका और शाहरुख के पोस्टर जो है उसको जलाने का प्रयास किया जा रहा है और मूवी के खिलाफ नारे भी लगाए जा रहे हैं। इटावा के कानपुर देहात में पुलिस हिरासत में बलवंत सिंह सेगर की हत्या के मामले में मृतक की पत्नी को 5 करोड़ रुपए मुआवजा राशि, मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी और मृतक के बच्चों को निशुल्क शिक्षा और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर क्षत्रिय सविभान मंच ने ही मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन SDM सदर को सौंपा है। थाना सिवली में बलवंत सिंह सेंगर को कस्टडी में रखा और उनकी मारपीट कर हत्या कर दी पुलिस वालों द्वारा। उन पुलिस वालों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। इसी संबंध में हमने ज्ञापन दिया है, उसमें जो SP कह रहे हैं कि हमने SIT जांच गठित कर रखी है। जब कोई मुकदमा लिख गया, पोस्टमार्टम हो गया और हत्या कर दी गई, तो उसमें जांच की क्या आवश्यकता। पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम की जांच करना तो मुझे लगता उचित नहीं है। पोस्टमार्टम में ही लिखा है कि कॉज ऑफ डेथ एंटीमार्टम इंजरी, उनके 24 से ज़्यादा चोटें हैं, तो उनकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए और उनके माँ बाप को भी रुपए मिलने चाहिए। 5 करोड़ रुपए की मांग है हम लोगों की, उनकी मृतक पत्नी को मिलने चाहिए, बच्चों की निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए और सबसे पहला काम है उन पुलिस वालों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि वो खुद पुलिस में हैं, विवेचना को प्रभावित करेंगे। और अधिवक्ता हैं जी, किस तरीके की? ये दरअसल क्षत्रिय स्वाभिमान मंच द्वारा ये ज्ञापन सिमली थाना क्षेत्र में जो बलवंत सिंह सेंगर की जो निर्मम हत्या की गई है पुलिस द्वारा, पुलिस कस्टडी में थाने में जिनकी हत्या की गई, बाद में उन पूरी नौटंकी की गई, अस्पताल ले जाके और डॉक्टर भी उसमें शामिल रहे और उसमें उसी के संबंध में ज्ञापन दिया गया है, जिसमें ज्ञापन में 5 करोड़ रुपए की मांग की गई है पीड़ित परिवार की मदद में, पत्नी को सरकारी नौकरी और बच्चों की शिक्षा और प्लस CBI जांच, क्योंकि इसमें पुलिस अपराधी के रूप में है इसमें और उच्च अधिकारी भी पुलिस का फेवर ले रहे हैं, इसलिए CBI जांच अति आवश्यक है इसमें। मांगे आपकी तरफ प्रदेश सरकार भले ही लाख दावे करे, लेकिन जिले के तमाम योजनाएं आते आते दम तोड़ देती हैं। वहीं बात करें मॉडल गांव के मॉडल विद्यालय की, जहां शिक्षा का स्तर पूरी तरह से चौपट नजर आ रहा है, जहां जीरो टॉलरेंस पूरी तरह से फेल होती हुई नजर आ रही है। बता दें आपको कि मामला महुआ ब्लॉक अंतर्गत बड़ोखर बुजुर्ग मॉडल गाँव के मॉडल विद्यालय का है, जहाँ पर SDM में प्रधान और खंड शिक्षा अधिकारी की मिली भगत से बच्चों के खाने में कमी की जा रही है। जहां बच्चों की संख्या 550 के लगभग थी, वहां 10 लीटर दूध प्रधान के द्वारा भेजा जाता है और प्रति बच्चा 1 चम्मच दूध दिया जाता है। और वहीं जब बच्चों से बात की गई तो बच्चों ने चौंकाने वाली बात कही है कि हमसे काम भी कराया जाता है। वहीं जब दूसरी तरफ साफ सफाई देखी तो गंदगी का अंबार लगा था, शौचालय के अंदर नहीं जा सकते थे। वहीं ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया है कि अभी तक सुधीर कुमार माली 1 से 8 तक कंपोजिट विद्यालय के इंचार्ज थे और विद्यालय के टाइम्स निकाल कर ही पता चला है कि बेच दिया गया है टाइल्स उनके और अपने घर से ही। ऐसे में सुधीर कुमार माली ने विद्यालय को अपने ही कार्यरत समय में विद्यालय को खंडहर में तब्दील कर दिया। और वहीं ग्रामीण ने ये भी बताया है कि तमाम शिकायतों के बाद अभी तक सुधीर माली के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जो हमारा विद्यालय है, आज लगभग 1-1.5 महीने से हम कॉन्टिन्यू देख रहे हैं कि इस विद्यालय को, हमारे विद्यालय के जो टीचर स्टाफ है, उन लोगों ने राजनीति का अड्डा बना रखा है। यहाँ बच्चों की पढ़ाई न हो करके केवल राजनीतिक हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। विद्यालय अगर हम लोग आते हैं, अपने बच्चों के शिक्षा स्तर की जानकारी करते हैं, उनसे पूछते हैं कि हमारे बच्चे हैं और आखिर में मेरी बहन पर छोटी चाचा की लड़की है, मैंने पूछा इस बिटिया को हिंदी में नहीं पढ़ने आते और मैम आप लोग क्या पढ़ा रही है, तो मैंने कहा कि आप हमारे पास बच्चों को भेजते हैं पढ़ाने, हम बच्चों को 6 घंटे पढ़ाते हैं, बाकी आपके पास बच्चा रहता है, अपना ट्यूशन लगाइए, ट्यूशन लगा के पढ़ाइए, आप हमारे उसमें न रहिए। अगर विद्यालय के मतलब पढ़ाई होनी होती तो आज सभी बच्चे ब्रिलियंट होते और आप 100 रुपए के ट्यूशन लगाइए। तो हमने कहा मैम हमारे पास 100 रुपए जो नहीं है, हम आपके पास बच्चे भेजते हैं पढ़ने के लिए। तुमने कहा अगर आपके पास इतनी औकात नहीं है 100 रुपए देने की,
तो आप बच्चे को यहाँ न भेजेंगे, घर में बैठ के पढ़ाइए। जब जब मैं यहाँ आता हूँ तो अक्सर देखता हूँ कि कई विद्यालय की कई क्लासें खाली पड़ी रहती है। आने के बाद हम फ्री सुधीर माली जी अभी तक चार्ज में थे, अब तो कह देते हम चार्ज में भी नहीं है। पूछते हैं कौन चार्ज में है, वो अक्सर हमें गुमराह कर देते हैं, कभी हमको नहीं बताते, ताकि हम किसी से शिकायत कर सके कि फला फला क्लासें खाली चल रही है। कभी कोई बताने का काम नहीं करता, जब आते हैं तो देखते हैं कई क्लासें खाली पड़ी रहती है। कुछ क्लासे हैं जो वाकई में निरंतर चलती रहती हैं, वो मैडमें जिम्मेदारी से पढ़ाती भी हैं, और कुछ मैडमें हैं हमारी जो कि ऐसी अभद्र भाषा, जैसे हमारे साथी थे रोशन शुक्ला, एक दिन ये पूछने लगे कि मैडम आपके विद्यालय में बच्चों को हिंदी पढ़ना नहीं आता, ये सातवें आठवीं की क्लास है। तो उन्होंने जवाब में कहा कि आपकी क्या 100 रुपए की भी हैसियत नहीं है ताकि आपको आप ट्यूशन पढ़ा सके। हमने इस मुद्दे को संज्ञान में लिया और खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से इस मुद्दे का हम लोगों ने सोल्यूशन निकाल लिया है। वहाँ पे इंचार्ज प्रधानाध्यापक वरिष्ठता श्रेणी में जो भी सीनियर थे उन्होंने चार्ज ले लिया है। साथ ही हम लोगों ने विद्यालय के संपूर्ण प्रबंध के लिए कमेटी भी बनाई है, जो कि इंचार्ज प्रधानाध्यापक और कमेटी मिलकर पूरी विद्यालय की व्यवस्थाओं को संचालित। अभी आपने वहाँ विद्यालय में जाकर अगर आपने निरीक्षण किया हो तो विद्यालय के टाइल्स उखाड़ के भेज दिए आपके माली जी के द्वारा और बाउंड्री तोड़वा दी गई, तो ये सब क्या चल रहा है और वहाँ का मटेरियल सब गायब है? देखिए अभी तो ये सब अलग मुद्दा है। पहले तो मुद्दा ये है कि वहाँ की व्यवस्था का संचालन कैसे किया जाए, तो वो मुद्दे पे हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। आगे जो भी चीजें होंगी उस पर जांच की जाएगी। क्या नाम बेटा? लाकुश। किस क्लास में है? 7th में। आज खाने में क्या मिला? पराई और दूध। दूध कितना मिला? दूध थोड़ा मिलता है। किससे दिया करते हो? चमचे से? जी। चमचे से थाली में डाला करते हैं? जी। अच्छा। हरदोई के शहर कोतवाली इलाके में दबंगों ने एक युवक को घेर लिया और लाठी डंडे और हॉकी से उसको मारा पीटा। दबंगों की दबंगई का पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया है, लेकिन पुलिस ने अभी तक इस पूरे मामले की एफआईआर नहीं दर्ज की है। हालांकि पीड़ित ने एसपी को पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। सीओ सिटी ने बताया है कि तहरीर लेकर मामला पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है और सड़क पर बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में एक युवक को दौड़ाकर गिरा दिया गया और पीटने वाले दबंगों की दबंगई का पूरा मामला जो है वो कोतवाली इलाके से सर्कल रोड के एक होटल के पास का है और शहर कोतवाली के ही किनाल रोड पर गिब्सन गंज निवासी कौशल गुप्ता का आरोप है कि वो मंडी आड़त से ही अपने घर वापस आ रहा था और इसी बीच रास्ते में उसको लकी ने अपने 4-5 अन्य साथियों के साथ घेर लिया और लाठी डंडे और हॉकी से उसको जमकर मारा पीटा है और जिससे वो घायल हो गया है। उसने पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की है, लेकिन शहर कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई नहीं की और 14 दिसंबर को हुई इस घटना का वीडियो अब वायरल भी होने लगा है। दरअसल वही एक सीसीटीवी लगा हुआ था जिसमें दबंगों की दबंगई की घटना कैद हो गई और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित ने एसपी को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है और इस मामले में सीओ सिटी विनोद त्रिवेदी ने बताया है कि तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। चौदह तारीख की रात में कौशल किशोर नामक व्यक्ति के साथ कुछ लोगों ने मारपीट किया है और उसका सीसीटीवी फुटेज में भी उनका चेहरा देखा जा रहा है। तहरीर लेकर के आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। विवाद का कारण क्या रहा है? विवाद का कारण तो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, अब आगे विवेचना में जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई होगी। और इसी खबर पर हमारे साथ हरदोई से हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। जी, ये पूरा मामला कोतवाली शहर इलाके का है। यहाँ एक युवक अपने घर जा रहा था, तभी रास्ते में कुछ दबंग आए, हाथी और अन्य चीजें लेकर आए और उसको मारने पीटने लगे और काफी देर तक मारते पीटते रहे। उसके बाद उसके काफी गंभीर चोट भी आई, वो कोतवाली शहर एफआईआर के लिए गया। हालांकि कोतवाल ने उसको भगा दिया मारपीट के, लेकिन फिर वो फिर सीओ सिटी के पास गया तो सीओ सिटी ने तहरीर लेकर और मुकदमा पंजीकृत करने के आदेश दिए हैं। जी,
जिस तरह से मोहम्मद खबर सामने आ रही है कि हरदोई में ये दबंगों के द्वारा ही युवक को पीटा गया है, क्या कारण रहा युवक को पीटने का? जी अभी कारण तो नहीं जानकारी में आया, मगर जिस तरीके से फिल्मी स्टाइल में एक कार से दबंग आते हैं और युवक को पकड़कर मारने पीटने लगते हैं हाथी और बल्ले और अन्य चीजों से, जिससे उसके काफी गंभीर चोट भी लगी है। जी हालांकि पुलिस का कहना यही है कि FIR लिखी जा रही है और जांच कर कार्रवाई की जाएगी, जो भी इसमें दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। जी ऐसे बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे से जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। बलरामपुर के थाना कोतवाली देहात के वसुआ डोल ग्राम के पास शव मिलने से हड़कंप मच गया है। मौके पर पहुंची देहात पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देहात पुलिस ने फिलहाल छानबीन शुरू कर दी है। तो आपको बलरामपुर से खबर बता रहे हैं जहां पर शव मिलने से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि अज्ञात शव की तलाश जो है वो पुलिस कर रही है और ये भी बताया जा रहा है कि फिलहाल जो है पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। गोरखपुर में आबकारी खाद्य और पुलिस विभाग पूरी तरह से मौन धारण किए हुए हैं। सरकार और बड़े अधिकारियों को दिखावे के लिए समय समय पर इनकी कार्रवाई भी होती रहती है, लेकिन जहां असली कार्रवाई करनी होती है वहां इनके हाथ छोटे पड़ जाते हैं। बिहार में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद पक्ष विपक्ष का वाद विवाद जारी है और गोरखपुर में भी आबकारी विभाग, खाद्य विभाग और पुलिस विभाग कुमकर्णी नींद सो रहा है। और ये भी जानकारी सामने आई है कि महानगर में कई जगह बिना लाइसेंस के मॉडल शॉप की तर्ज पर शॉप चलाई जा रही है और वहां पर बकायदा शराब जो है वो भी पिलाई जाती है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत नगर निगम चौकी के शास्त्री चौराहे का है, जहां अंग्रेजी शराब की एक लाइसेंसी दुकान है, लेकिन इसकी आड़ में यहां मॉडल शॉप चलाया जा रहा है। बकायदा इस मॉडल शॉप में टेबलें लगाई जा रही हैं और जहाँ पर बैठकर शराब पीने, चखना खाने और सिगरेट का भी मजा बड़े आसानी से शराबी लेते हैं। बता दें आपको कि इस चौराहे पर देर रात भीड़ भाड़ बनी रहती है और इस रास्ते महिला पुरुष और बच्चों का आना जाना लगा रहता है। अभी ठंड का मौसम है तो इस चौराहे के आसपास तिब्बती, कश्मीरी और कई गर्म कपड़ों के बाजार लगे हुए हैं। ऐसे में भारी तादाद में ही महिलाएं यहाँ खरीदारी करने आती हैं और कई बार ये शराबी शराब पीकर सड़कों पर महिलाओं से छेड़खानी भी करते हुए नजर आते हैं। इसको लेकर जब गोरखपुर आबकारी विभाग के अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि आप लोगों के माध्यम से सूचना मिली है और जल्द कार्रवाई की जाएगी। आबकारी विभाग के अधिकारियों से बात की गई है, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि माइक पर कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। उनका साफ तौर पर कहना था कि हम लोगों ने कार्रवाई कर दी है, आगे जहां भी ऐसे संदिग्ध दुकानें मिलेंगे सभी जगह कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इस कार्रवाई में किन किन लोगों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या बरामद हुआ है और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, विभाग ने इन बातों का खुलासा अभी तक नहीं किया है। और इसी खबर पर हमारे साथ गोरखपुर से हमारे सहयोगी धनेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनेश, जिस तरह से मामला सामने आ रहा है, अवैध रूप से यहां पर शराब की दुकान चलाई जा रही है, पूरा मामला क्या है विस्तार से बताइए। देखिए मामला जो है कोतवाली थाना क्षेत्र के नगर निगम चौकी अंतर्गत जो है शास्त्री चौक से, जहाँ पे कलेक्ट्रेट चौक, कलेक्ट्रेट कचहरी भी है, जहाँ पे जिला अधिकारी बैठते हैं, वहीं से विभागीय अधिकारी बैठते हैं, सचिव बैठे हैं, वहीं से ठीक सामने जो है गेट नंबर 1 पे वाइन साहब की दुकान है, वहाँ पे सीधे और जो बगल में जो कैंटीन है सटे हुए वाइन साहब के, वहाँ पे अवैध रूप से ना कि कैंटीन नहीं बल्कि अवैध रूप से वहाँ पे मॉडल शॉप चलाया जाता है। दिन भर कोई पारिवारिक कैंटीन नहीं है, वो उसको केवल नाम दिया गया था हांडी मटन जो है नाम से कैंटीन है। वहाँ पे दिन भर सवारियों का जमाव रहता है और वहाँ पे बकायदा मिनी बार के लिए बनाया गया है, जिससे और वहाँ पे अंदर तो अंदर बैठे रहते हैं और रात को जो सवारी रहते हैं बाहर खड़े होकर के शराब पीते हैं। और वहाँ पे अगल बगल देखा जाए तो तिब्बत मार्केट लगा हुआ, ठंड के मौसम में हर साल तिब्बत मार्केट और कश्मीरी मार्केट लगता है, जो ठंड के कपड़े जहाँ देते हैं ठीक वही 100 मीटर दूरी पे रहता है। उधर से जो महिलाओं का परिवार जनों का आना जाना रहता है, देर रात तक जो शराब पीने वाले व्यक्ति हैं बाहर पीते हैं और उनसे कुछ छीटाकसी भी करते हैं महिलाओं को देख के, बच्चियों को देख के। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो 300 मीटर के आबकारी विभाग है और 100 मीटर पे ठीक
100 मीटर से नगर निगम परिसर है जहाँ पे चौकी है और 200 मीटर से 300 मीटर से कोतवाली थाना, लेकिन कोतवाली पुलिस और नगर निगम चौकी आबकारी विभाग पूरी तरह से मौन है। और जो कि सालों से ये चल रहा था, वहाँ पे जो रेस्टोरेंट के नाम पे जो है ये मीन बार चल रहा था, मॉडल साफ चल रहा था, और वहाँ पे बकायदे सारी चीजें उपलब्ध कराई जाती हैं, वो देखा जाए गिलास पानी सारी चीजें उपलब्ध कराती है और दारू पिलाया जाता है। देखिए जबकि सबके जानकारी है, बगल में नगर निगम चौकी है, आबकारी विभाग 300 मीटर पे है, लेकिन जानकारी होते हुए मौन है, क्योंकि उन लोग को अच्छी खासी रकम पहुँचाई जाती है उसके नाम पे जो है दुकानदार, तो आज दुवाई साहब का दुकानदार है, उन सबों को अच्छी खासी पैसे पहुंचते होंगे, इसीलिए देख कर अनदेखा किया जा रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रशासन और शासन की मिली भगत से जो है ये मॉडल साहब चल रहा था। जी गणेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। अलीगढ़ में कार चालक ने कुत्ते को जोरदार टक्कर मार दी और टक्कर से कुत्ते की मौत हो गई, और जिसके बाद ही पूरे घटनाक्रम की जानकारी मिलने पर जीव दया फाउंडेशन के अध्यक्ष की ओर से थाना कवारशी में तहरीर देकर अज्ञात कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से कार चालक को तलाशने में जुटी हुई है और अलीगढ़ शहर में ही आए हुए दिन दहाड़े ऐसी घटनाएं सामने आते को मिलती है, और जहां ड्राइवरों की लापरवाही के चलते आए दिन जीवों को इसी तरीके से कुचल कर मौत के घाट उतार दिया जाता है, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं रहता है और जीव दया फाउंडेशन के अध्यक्ष द्वारा जीवों को मारने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया की मुहिम में जुट गई है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी कर रहा है। कुवारसी थाना इलाके के स्वर्ण जयंती नगर पर मौजूद काबेटी अपार्टमेंट का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर कार सवार ने कुत्ते को हादसे का शिकार हुआ है, यह भी जानकारी सामने आ रही है। ये थाना कवारसी क्षेत्र की घटना है। 13 तारीख को रात में एक कार द्वारा एक कुत्ते को कुचल दिया गया, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। कुत्ते का पोस्टमार्टम कराया गया है और आशा सिसोदिया जीव फाउंडेशन की सचिव है, उनके द्वारा इस संबंध में मुकदमा कायम कराया गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अभियुक्त का पता लगा के प्रयास किए जा रहे हैं। इनके धाराओं में मुकदमा दर्ज किया, 429 IPC की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। और इसी खबर पर हमारे साथ अलीगढ़ से हमारे सहयोगी आकाश कुमार हमारे से जुड़ चुके हैं। आकाश, जिस तरह से मामला सामने आ रहा है, अज्ञात कार सवार ने जीव पर हमला किया है, पूरा मामला क्या है विस्तार से बताइए। ये जैसा कि मैं आपको बता दूंगी, थाना कवारसी क्षेत्र के जो स्वर्ण जयंती नगर में एक अपार्टमेंट है, जहां पर गेट पर एक कुत्ता जो है सोया हुआ था और जो कार ड्राइवर हैं वो जो है बिना कुत्ते को देखे उसके ऊपर गाड़ी चला दी और गाड़ी चलाने के साथ साथ ही उसे देखे बिना ही वहां से निकल गया, जिसके बाद वो कुत्ते की वहां पर तत्काल मौके पर मृत्यु हो गई, जिसका जो है वीडियो जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल होने लगा। तो वहां की जो सचिव हैं उन्होंने जो है कार सवार चालक के ऊपर जो है मुकदमा दर्ज कराया है और कार्रवाई की मांग की है। हालांकि पुलिस ने उनकी तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और कुत्ते का पोस्टमार्टम करा दिया गया है। कार का जो नंबर है उसके माध्यम से और जो चालक है उसका पता लगाया जा रहा है और जल्द उसकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। जी आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। शाहजहांपुर जेल में बंदियों को जेल के बाहर जिला चिकित्सालय और KGMU PGI आदि उच्च चिकित्सा संस्थानों में भेजे जाने की सुरक्षा चुनौतियों से भरपूर और खर्चीले कार्य से बचने के लिए और आधिकारिक बंदियों को त्वरित बेहतर चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराए जाने के लिए जेल में ही विशाल चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। और इस चिकित्सा शिविर में स्त्री और प्रसूति रोग, हड्डी रोग, हृदय रोग, नेत्र रोग, सामान्य चिकित्सा और इसके साथ ही परामर्श बंदियों को दिया गया है और मौके पर ही निःशुल्क दवाएं भी उपलब्ध कराई गई है। इस शिविर से 250 बंदियों ने परामर्श और चिकित्सा प्राप्त कर लाभ उठाया और कई बंदी जो बाह्य चिकित्सा संस्थान भेजे जाने में विलंब के कारण चिकित्सा सुविधा से वंचित थे, वो सभी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो जाने से अत्यंत प्रसन्न नजर आए हैं। आज कारागार में बंदियों के बेहतर स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिए विशाल चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्त्री रोग विशेषज्ञ, फिजिशियन, नेत्र रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ,
हृदय रोग विशेषज्ञ, होम्योपैथ के डॉक्टर आदि ने भाग लिया तथा सभी बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें इलाज परामर्शित किया गया। मौके पर ही बंदियों को दवाएं भी उपलब्ध कराई गई। कारागार में आज के इस विशाल चिकित्सा शिविर से लगभग 250 बंदियां लाभान्वित हुए। हरदोई के बेटा गोकुल थाना क्षेत्र के एक गांव में पंचायत सहायता के पद पर तैनात एक युवती के उसके पड़ोसी ने गला गोली मारकर ही हत्या कर दी और घटना के बाद आरोपी फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक सहित तमाम पुलिस बल मौके पर पहुंच गए और गोली मारने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिन दहाड़े हुई इस घटना की सनसनी फैल गई है और एसपी के मुताबिक मामले में प्रेम प्रसंग की बात सामने आई है। पड़ताल कर कार्रवाई की जा रही है। ये ग्राम कोटरा सरैया है, थाना बेटा गोकुल का। इसमें अब से कुछ देर पहले गांव के ही एक युवक ने ये युवती की इसके घर के छत पर जाकर के सर में गोली मारकर हत्या कर दी है। युवक को हिरासत में ले लिया गया है। उसके पास से कारतूस भी मिले हैं और शख्स की तलाश की जा रही है। अभी तक के पड़ताल से कुछ प्रेम संबंध की बात सामने आई है। तहरीर मिलने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।